नाज़रीन आदाब, हस्ब दस्तूर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के हवाले से खुसूसी पेशकश लेकर, और मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, जैसा कि हमने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि यहां आज नामवर साइकैट्रिस्ट और जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकैट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, काठी दरवाज़ा रहनावारी, जीएमसी श्रीनगर, जनाब डॉक्टर मोहम्मद मकबूल साहब मौजूद रहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे इस वक्त वो स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे माहिर के साथ, डॉक्टर के साथ बराह रास्त टेलीफोन के जरिए रब्ता कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा करना है आपको, हम जो नंबरात आपके लिए मुहैया रखेंगे वो नंबरात आपने डायल करने हैं। जी हाँ, नंबरात डिस्प्ले हो रहे हैं। नंबरात हैं 0194-248-1813, अगला नंबर है 0194-248-1832। आपसे गुजारिश है कि जब आप फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के दौरान आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करें, और अगर प्रोग्राम के दौरान भी आप कोई मेल भेजना चाहते हैं हमें आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, हमारे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ddnewsrinagar@gmail.com। बाज़ाब्ता हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर मोहम्मद मकबूल साहब। जैसा कि आप पिछले कुछ डेढ़ महीने से तकरीबन आप ये प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सारे मौजूदात पर हमने बात की, बहुत सारे इशूज़ के हवाले से यहाँ बात हुई स्टूडियो में। सभी तकरीबन सभी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स जो आपके जीएमसी से वाबस्ता हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और आज आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के लिए, और ख़ुसूसी तौर उन कॉलर्स के लिए, उन बीमारों के लिए जो अपने घरों में इस वक्त कोविड के चलते मौजूद है, जिनको आपकी कंसल्टेशन चाहिए, उस सिलसिले में यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइए कि जो नफ्सियाती तकालीफ है, किस तरह के नफ्सियाती तकालीफ आज के दौर में देखे जाते हैं, आगाज़ इससे कीजिए। जनाब फैज़ साहब, मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने साइकेट्री में करियर स्टार्ट किया, उस टाइम ज़्यादा पेशेंट्स आते थे जिनको हम साइकोटिक बोलते थे, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, ऐसे पेशेंट्स जिनको यूजुअली अटेंडेंट्स लाते थे, घर वाले लाते थे जी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रेंड चेंज हो गई, अब हम ज़्यादा पेशेंट्स डिप्रेशन के देखते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के देते हैं, फोबिक डिसऑर्डर्स के देखते हैं, कन्वर्शन डिसऑर्डर, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनमें पेशेंट खुद आता है, या ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनमें पेशेंट खुद आता है हमारे पास कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है। तो वो जो पहले साइकोटिक जो मैंने स्किज़ोफ्रेनिया बताया, उसको यूजुअली घर वाले हिलाते थे कि डॉक्टर साहब इसको ये प्रॉब्लम है, इसको आप ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो पेशेंट बोलता था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं कुछ है, उसको साइकोटिक बोलते हैं। अब ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं इसमें खुद पेशेंट्स आते हैं, अब इसमें अलग अलग अलामत हैं इनके। जी जी। अब जो भी इसमें टाइप्स हैं या जो भी इसमें वजूहात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फोत हुए उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था। अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने के बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिले एतमाद ज़राए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी। जी, फॉर एवरीबडी क्लैरिफिकेशन, दैट कोट इज एंटायरली फेक। याद रखिए, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजती टीके लगवाएंगे उसी से हम सब कोविड से महफूज हो पाएंगे। कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ।
नाज़रीन, दूरदर्शन की खसूसी पेशकश डॉक्टर सुफीकन कोविड 19 में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम के पहले कॉलर लाइन पर मौजूद हैं गुलाम जिलानी साहब, जो पीरबाग से बात करते हैं। गुलाम जिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फायज साहब। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम जिलानी साहब, क्या शुरू असा तो जानून कशिर पट करा बका। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब। तो आशो इस्तकबाल खैर मकदम छ तई सनी सेत प्रोग्राम इस मजन डॉक्टर सुफीकन कोविड 19 शुक्रगुजार बड़ा डॉक्टर साहब तुम शुक्र। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मे पंचवंजा वरी एज कारबार सठा मगर टेंशन मे रोजा दिमाग जबरदस्त मे टेंशन रोजा जूद बुस मंज ग बान फटरवान तिस पोशन मे ग मंज मे दिमाग ना पत गई बहुत शशीर राजदान तेन मे दोन ते पर्वा कह तुम दवा मे ये गयो डॉक्टर मुश्ताक मरगु मे तेव दो टी वी अंदर खरीद ये कह दिमाग पत गो शशी राजदान तेव दो पोशन चाहे कह रोजान दिमाग मे दिमाग रोजान आव बहु तरह फिक्र मे क्या रोजान मे वो मेहरबानी कर बह कर बूझ जवाब गुलाम जिलानी साहब। डॉक्टर साहब दिन जवाब फैज सब गुलाम जिलानी साहबन क्वेश्चन कोर मे ब्रो प्रोग्राम ये पर कम डॉक्टर ऑन लाइन उस तम प्रोग्राम मे बसान तम तुद ये क्वेश्चन शायद तमे कॉलर शायद बहुत पहचान तो यूतान ये वनान कि मे कोर इलाज सह डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब नाव दिमो दौन डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट नाव हमो तो यमो इलाज हन तुर्मुत तो मगर यूतान ये वनान सिमटम्स मे शाम ग ये तंग बाकी चीज ग इन क्लियर कट डिप्रेशन के प्रॉब्लम इन डिप्रेसिव डिसऑर्डर मेजर डिप्रेशन वन या डिप्रेशन वन तो अत बाब्त पमस कह साइकेट्रिस्ट इस आम नश ग या बे कह तम वन कि मे कह फर्क ग क्या फर्क ग एडिकेट डोज नीन एडिकेट टाइम दिन इन साइकेट्रिस असल पे फॉलो अप पर रोज ठीक है वो रखेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ शौकत अहमद साहब बारामूला से बात करना चाहते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत साहब क्या छू असा जानू तु सर हमारे लेडी घर में हमारी जी वो बड़ा रीड बिहेवियर करती है लड़ाया करती है कंटिन्यू लड़ाया करती है वो किसी को सामने बैठने ही नहीं देती। तो तुम्हें ये डॉक्टर साहब बीच में ये बीच में क्या है रुक मत जाती है जी सर ना बीच में तो वो ठीक हो जाती है कुछ महीने के लिए वो नॉर्मल हो जाती है कुछ महीनों के लिए ठीक हो जाती है फिर तेज हो जाती है जी सर फिर तेज हो जाती है। उस टाइम मत वो खुश होती है ज्यादा और बातें ज्यादा करती है बातें वो हमेशा ज्यादा ही करती है सर वो किसी को ब्लेम करती है किसी को ब्लेम करती है आपने ये किया आपने वो किया मेरे उसकी शादी हो गई थी उसका डाइवोर्स हो गया उसके बाद कुछ ज्यादा हो गई। अच्छा बीच में बिल्कुल चुप करती है बातें जी 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 जी। फैज साहब जो इनने क्वेश्चन पूछा कि जैसे मैंने इनके सिम्टम्स देखे मुझे जहां तक मेरा ओपिनियन है मुझे लगता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है क्योंकि ये बोलते हैं कि बीच में वो लेडी तेज होती है तो बीच में बिल्कुल चुप होती है कुछ महीनों के लिए कुछ टाइम के लिए वो चुप होती है तो इसमें क्या होता है बेसिकली फैज साहब कि इसमें ब्रेन में कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर उसमें इम्बैलेंस कुछ होता है तो इसमें एक किस्म का अगर मैं मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा एक किस्म का मतलब जो वोल्टेज होता है ब्रेन का जी वही मैं सिंपल मैं मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करता हूं तो वोल्टेज कभी ज्यादा हो जाता है इसको हम मैनिया बोलते हैं कभी कम हो जाता है उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम एक किस्म का स्टेबलाइजर लगाते हैं जो ना वोल्टेज को ऊपर जाने दे ज्यादा ना नीचे आने दे ज्यादा लिहाजा इसको वो साइकेट्रिस्ट कंसल्टेंट करना कोई भी साइकेट्रिस्ट कंसल्टेंट करना है जो इसको मुझे लगता है इसको मूड स्टेबलाइजर की जरूरत जिनको मूड स्टेबलाइजर बोलते हैं वो मूड को ना नीचे जाने देंगे ज्यादा ना ज्यादा हाई जाने देंगे तो मुझे लगता है इस पेशेंट को उसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए एक और कॉलर से हम बात करना चाहेंगे। जवाहरा है ये नोएडा से बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब ठीक पछ अच्छा जवाहरा जी तुम आ रही से अच्छे ठीक अहन दुआ 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 मे ना शुगर यह पता मे शुगर अहन तो इसलिए बो यहां मे कर वैक्सीन तो कह बस नोएडा मगर कुछ जनी ये अहन
مگر ماسک بہ گنڈان مے دم بہ دپا بہ تلا یہ ماسک تھوت مگر تلان نیت باقی بہت ٹھیک فسٹ کلاس مگر ون زن ویکسین تھی ونو نا ویکسین کرنا ضروری ویکسین گزارش سری نگر تار بہت ادی مے بیبی لال کہین دبئی اہن توے باپ اکے 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 ڈاکٹر ون تھی جواب اچھا اچھا دل ول روزان ٹھیک اہن خوش چھو آسان ٹھیک فیض صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ مجھے کبھی دم ہوتا ہے یہ ماسک کی بھی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ڈائبٹیز ہے باقی چیزیں ہیں تو ان کو کووڈ جیسے آپ نے ان کو ہدایت دی تھی کہ کووڈ کی ویکسینیشن لگانی ہے تو وہ ویکسینیشن ان کو لگانی ہے تو جہاں تک میرے ٹاپک کا یہ ہے میرے اس مطلب اس برانچ کا تعلق ہے نفسیات کا تعلق ہے اس کو نفسیات کی کوئی پرابلم نہیں نہ ڈپریشن ہے نہ کچھ ہے مگر ایک مطلب جیسے اس کے سمٹمز ہیں مطلب ماسک سے ہو سکتا ہے یا اس کا ڈائبٹیز کنٹرول کتنا ہے وہ اس کو والو کرنا ہے کیونکہ میں نے اسے پوچھا کہ دل کیسا رہتا ہے باقی سائیکیٹرک پرابلم اس میں نہیں لگتی چلیے بہت اچھی بات ہے محمد مقبول صاحب بانڈی پورہ سے بات کرنا چاہتے ہیں محمد مقبول صاحب السلام علیکم السلام علیکم سر جناب کیا چھو یہ سان جان ڈاکٹر صاحب نش محمد مقبول صاحب ونی وز جناب بس ڈاکٹر صاحب نش یہ سان جانن اہن اک عام نارمل انسان چھ آسان تو من چھ سہ ہما کی اور یہ رز نام مطلب اللہ بل پتہ اس عام لگن من زنا ہے ان کا سٹم کے تم چھ پتہ مگر وچھن چھ اصل پوشن پتہ چھ کنسا ڈاکٹر صاحب نش نمو پتہ ڈاکٹر صاحب نش اخ استلا مطلب ڈپریشن دیکھ منا نم مز اینزائٹی تو بہت ڈاکٹر صاحب نش یہ بوزن وضاحت وانے ڈپریشن کیا گو تو اینزائٹی کیا گو عام نفر کس کن تر فکر کت کیا اینزائٹی کیا گو تو ڈپریشن کیا بالکل بوجھو جواب ڈاکٹر صاحب سوال پہ ون جواب تمو ون ڈپریشن تو اینزائٹی بیسکلی گڈنیت ون بہ چیز کہ ڈپریشن اینزائٹی عام طور الگ الگ آسان کی یمس ڈپریشن آس تمس اینزائٹی سمٹمز آسان توے ون اڑ ڈاکٹر صاحب اس ڈپریشن اڑ ون اینزائٹی مے بی تم آپ کنفیوژن گھنٹہ یا پراپر سائیکیٹرس نش گھنٹہ یتھے ڈائگنوز آس گھنٹہ وہ ون یمو ڈپریشنس مز کیا گا ڈپریشنس مز باس امس کہ صبح مطلب مے موڈ آف یہ وتھنے ہیکان پیشنٹ امس باسان دنیا کھران سوری یت مز امس انٹرسٹ اس تت مز انٹرسٹ لگان کامہ ست چھ دل لگان بےقراری باسان ٹھیک یم چیز ات مز گھنٹہ کن سات زیادہ گھنٹہ بیس کنسنٹریشن کم گھنٹہ بیس کن سات زیادہ گھنٹہ کہ بوش وش بالکل لگان کھین یا کن سات تیوت تہ گھنٹہ کہ خودکشی ہند خیال کی پیشنٹ تم پہ اٹمپٹ یا کومٹ تران سوسائڈ یہ ڈپریشن یتھے ون اینزائٹی اینزائٹی گو ہنگ تو منگ فکر آتھ گیڈ انگریز پہ میڈیکل ٹرمز گیڈ گو جنرلائزڈ اینزائٹی ڈسڈر جنرلائزڈ اینزائٹی ڈسڈر مزان یہ شی رت پہ علاوہ یوزلی روزان تو ات مز جناب گھنٹہ کہ وسوس پھٹان عرق ٹھیک ہارٹ بیٹنگ سے زیادہ گھنٹہ کن سات باسان دم ہوں ہٹس گھنٹہ یا ہارٹس نش دم گھنٹہ یہ اینزائٹی فیچرس بالکل محمد مقبول صاحب تھی ملو جواب ناظرین ایک اور بریک لے لیتے ہیں ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں خوش ہے یہ آسمان زمین ہر طرف چھائے ہیں ہم ہی ایسی کول ہے اپنی کہانی چھل کر کے جینی جوانی چلنے دے بس دل کی من مانی آمول کول چل یا دل آمول کول چل یا دل آمول کول چل یا دل ناظرین آپ اس وقت دوردرشن کے اندر سری نگر کے اسٹوڈیو سے براہ راست وادی
के नामवर माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद मकबूल साहब से कंसल्टेशन हासिल कर रहे हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, सबाजी बोहरी कदल से बात करना चाहती हैं। सबाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फायज जी। सबाजी क्या पूछना चाहेंगे आप आज डॉक्टर मोहम्मद मकबूल साहब से? जी डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो भी ट्रीटमेंट चलता है किसी भी पेशेंट का जो नफ्सियात से मुतालिक होते हैं, तो एक लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो अक्सर ये बात बोली जाती है, सुनी जाती है डॉक्टर साहब की, अगर लास्ट में किसी पेशेंट को एक टैबलेट या दो टैबलेट, वो एक लॉन्ग टर्म तक होता है, क्या वो कभी वो छोड़ नहीं सकता? अगर वो मतलब खुद कोशिश करे कि नहीं मैं अब ये इसको बंद करना चाहता हूँ, लेकिन अक्सर कहते हैं नहीं नहीं आप इसको बंद ना करें, आपको कंटिन्यू करें, तो क्या खुद वो अपनी इस कोशिश से थोड़ा सा मतलब इसमें ब्रेक करके मतलब खुद इस दवाइयों से छुटकारा पा सकता है? और दूसरी बात यह है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हर किसी को डिप्रेशन है, लेकिन अक्सर डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम में एंग्जाइटी अलग है, डिप्रेशन अलग है, मेंटल प्रॉब्लम, तो क्या फर्क है इन चीजों में, और इंसान को कैसे पता कि मुझे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या कोई और मेंटल प्रॉब्लम है? तो थोड़ा इस बारे में वजाहत हो जाए कि क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है हम सब इस वक्त शायद हर तनाव में हैं, चाहे जो आप खुद भी आपसे बखूबी वाकिफ है कि किन हालातों से, दो तरफा हालातों से हम जुड़े हुए हैं इस वक्त, तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम है, बड़ों में भी है, बुजुर्गों में है, तो किस तरह से थोड़ा सा हम आपको मेंटेन करें, और इन तीनों चीजों में मतलब क्या फर्क है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, और मेंटल हेल्थ किस हद तक लग नहीं कि अब ये ज्यादा खराब हो चुकी है? जी सभाजी जवाब सुनिए, डॉक्टर साहब जवाब दे देंगे। जी फैज साहब, जैसे उनने पहला क्वेश्चन क्या था उनका? पहला क्वेश्चन ये कह रही है कि ये जो अभी जो दवाई के हवाले से जो टेबलेट दवाई के हवाले से ब्रेक करने का क्वेश्चन किया, तो इसमें ये चीज है कि जो साइकेट्स दवाई लिखता है फिर वो कुछ टाइम के लिए खानी होती है, उसमें एक पीरियड होता है खाने का जी, तो और एडिकेट डोज देनी होती है जी, तो वो एडिकेट डोज लेनी है जी। फिर ये बोल रही है, इनने बोला कि फिर दवाई बंद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इनको डॉक्टर साहब से मशवरा करना है कि दवाई बंद कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिसऑर्डर्स में लीविंग असाइड फ्यू डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने बीपीएडी बोला उसमें मेंटेनेंस डोज रखना है, बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम दवाई बंद करते हैं। आप ये बोलते हैं कि हम मतलब एक टैबलेट या दो टैबलेट कंटिन्यू रख सकते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स में वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन अक्सर बीमारियों में नफ्सियात में दवाइयां बंद कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह करनी है वो इनको डॉक्टर साहब बताएंगे। वो क्या करना है इनको कि आहिस्ता आहिस्ता, जिसको हम ग्रेजुअली टैपर बोलते हैं जी, अगर साइकेट्रिक दवाई कोई भी चल रही है वो अगर एकदम बंद हो जाएगी पेशेंट को परेशानी होगी, दूसरी बात इसको बेकरारी हो जाएगी, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से टैपर डाउन करनी है, मतलब वो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। जो दूसरा इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं इस वक्त कोविड के चलते जो मुख्तलिफ बीमारियों में मतलब नफ्सियाती बीमारियों में, जैसे इन्होंने डिप्रेशन की बोला, डिप्रेशन में क्या फर्क है, एंग्जाइटी वो ये इस तरह से इससे निकल सकते हैं, क्या करना चाहिए अभी राइट नाउ? पहले मैं बताऊंगा जो उन्होंने बताया कि डिप्रेशन एंग्जाइटी क्या फर्क है, वो मैंने पहले ही बताया, वो आपने बता दिया पहले, डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है, इसी तरह फोबियाज होते हैं, फोबिया क्या होता है, जो बोला कि मेंटल हेल्थ के बाकी प्रॉब्लम है, फोबियाज होते हैं कि किसी चीज का डर होता है या किसी क्राउड का, सोशल फोबिया, इसमें स्पेसिफिक फोबिया एक होता है जिसमें किसी खास चीज से डरता है बंदा, तो एक होता है सोशल फोबिया जो वो गैदरिंग्स में डरता है, जैसे रेस्टोरेंट्स में, मीटिंग्स में या पार्टीज में, उनमें डरता है, और एक होता है एग्रोफोबिया जो घर से बाहर निकलने में उसको प्रॉब्लम दिक्कत आती है, तो ये और कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे ओसीडी हैं, तो इनको पहचानना, पेशेंट को मुझे लगता है कि पूरा पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, इसके लिए इनको डॉक्टर साहब के पास जाना है, स्पेशली साइकेट्रिस्ट के पास, और साइकेट्रिस्ट ही बताएगा कि क्या डिसऑर्डर है। एक और कॉलर हमारे साथ मोहम्मद रफीक साहब, एक और क्वेश्चन था इनका। जी हाँ, अच्छा रफीक साहब आप लाइन पे ही रहिए, अभी डॉक्टर साहब किसी दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपके साथ हम बात करेंगे। ये बोला क्या कि मेंटल हेल्थ हम कोविड में कैसे ठीक रख सकते हैं, खुद तो और बच्चों के हवाले से इन्होंने बताया। इसमें ये है कि मतलब जैसे एक्सरसाइजेस हैं जी, इंडोर एक्सरसाइजेस, अगर आज मतलब लॉकडाउन चल रहा है तो जिस लॉकडाउन के दौरान या इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आंगन में कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, या योगा, आज योगा डे था है ना, योगा कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं, और ईटिंग हैबिट्स जैसे हैं मतलब खाने पीने की आदतें जो हैं वो अच्छी रखनी है, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं,
बैलेंस्ड डाइट खानी है, ये एक और चीज़ है, और नींद अच्छी तरह से करनी है, मतलब खूब नींद करनी है। इसमें दो किस्म के हमारे पास होते हैं, मतलब जो पर्सन्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट स्लीपर्स, दूसरा होता है जिसको लॉन्ग स्लीपर बोलते हैं। शॉर्ट स्लीपर को कम से ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे की जरूरत होती है नींद नींद की, तो वो फ्रेश हो जाते हैं जी। लॉन्ग स्लीपर्स को कम से कम 8 से 9 घंटे तक नींद होनी चाहिए। तो ये कोई डिजीज नहीं है, कोई शॉर्ट स्लीपर होगा कोई लॉन्ग स्लीपर होगा, चाहे वो शॉर्ट स्लीपर है उसको उतना टाइम लेना है नींद के लिए, अगर वो लॉन्ग स्लीपर है उसको अपनी नींद बराबर करनी है, तो उससे भी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। और कनेक्टेडनेस रहनी है, जो हम बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, डिस्टेंस रखनी है लेकिन हमें कनेक्टेड रहना है। जैसे हम मतलब सिर्फ फोन के जरिए, का मकसद सिर्फ जिस्मानी जो है, मतलब आप वहां पर हैं मैं यहां पर हूं, लेकिन हम कनेक्टेड हैं, इसी तरह कनेक्टेड रहना है। मतलब अगर ये अब लॉकडाउन में हम एक दूसरे से इस तरह नहीं कनेक्ट रह सकते हैं, दूरी रख सकते हैं, या थ्रू वीडियो कॉलिंग हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें हम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ मतलब अगर इनको लगे कि कुछ हेल्प की जरूरत है, फिर हेल्प लेनी है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, डॉक्टर हो, या और कोई हो, उसकी वो चीजें करनी। जी हाँ डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से भी हम बात करेंगे। मोहम्मद रफीक बोहरी कदल से लाइन पे हैं। मोहम्मद रफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ मोहम्मद रफीक साहब, सवाल वनु पनुन तो पानी टीवी को वॉल्यूम यूज आवाज शु सके तो बंद तो वन तो सवाल मोहम्मद रफीक साहब क्या छु यहां डॉक्टर साहब उसने जानून है मोहम्मद रफीक साहब तो करो पानी टीवी वॉल्यूम तीस टाइम कर डॉक्टर साहब से कहा। हाँ ये डॉक्टर साहब, ये जो हमने बात की बच्चों के हवाले से कि जो पेंडेमिक में अभी जो बच्चे हैं, जो सभा जी का भी सवाल था जो उन्होंने कहा कि बचन तैसा गोविंद के अनुसा पे असर, तो ये बच्चे जो है कैसे हम इनको घरों में टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं बच्चों में। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मतलब जैसे आपने पहले भी बोला मैंने, एक्सरसाइजेस बाकी चीज़ें, और इनके साथ मुझे कोविड ने हमें ये भी सिखाया कि टाइम देना है बच्चों को, अदरवाइज हमारे पास टाइम नहीं होता है यूजुअली बच्चों के पास। हम पैसा देते हैं बच्चों को, टाइम कम देते हैं, इनके साथ टाइम गुजारना है। और एक और गुजारिश मेरी आम नाज से इस टाइम है आपकी इस वजह से प्रोग्राम के वजह से जी, कि एक डिसऑर्डर मैंने देखा पर्सनली, मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे साइकेट्स ने भी देखा होगा बाकी ने भी, इंटरनेट एडिक्शन यहाँ कॉमन हो गया अब, क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ फोन देते हैं। सही बात है, हम बोलते हैं कि अब ये तुलन था कशिर पेट बिल्कुल, तो स्विच मोबाइल स्विच, तो उसमें टाइमिंग हम कुछ नहीं रखते हैं, इसको फोन हवाले करते हैं। अब ऑनलाइन क्लास भी, ऑनलाइन क्लासेस ठीक हैं लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए, अदरवाइज मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो इनको इंटरनेट एडिक्शन बच्चों को हो गया है ऑलरेडी, फिर वो आते हैं मेरे पास, तो इनको बाजार तो ऐसा ही विड्रॉल होता है जैसे ड्रग एडिक्शन में विड्रॉल होता है जी जी, तो इनको वो आहिस्ता आहिस्ता वो बंद करना है, कुछ लिमिट करना है इनको, अदरवाइज इनको वो वर्चुअल फ्रेंड्स बनते हैं तो वो आपस में वो इंटरेक्ट नहीं करते, और मोबाइल से बहुत साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही है। बिल्कुल, इस सिलसिले में हम और भी बात करेंगे, पहले एक और ब्रेक ले लेते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19। इस वक्त जैसा कि हमने पहले ब्रेक से पहले कहा कि मोहम्मद रफीक साहब बोहरी कदल से बात करना चाहते हैं। हाँ मोहम्मद रफीक साहब, क्या छो तो ये ऐसा जान डॉक्टर साहब निशन तो वही तबज। वालेकुम अस्सलाम जनाब, तो जिंदगी में कामयाबी तो नाकामयाबी यह दोनों चीज से जिंदगी हूं सिलसिल। बिल्कुल, हर कुछ एतबार से इंसान चैलेंज, सोन एटमॉस्फेयर, सोन एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या, सोन दमागी सेहत रोज तूत ठीक जनरल मैसेज इन सारे चीजों वह टेक्नोलॉजी मोबाइल अथत अथत मह अ मतलब दिल खोल हर चीज मजी जनरल मैसेज कितन करो ये चीज काउंटर कि इंसान बस बहु इनफीरियर बहुत साइड लाइन बहु अलोन तो इतन कितन हको इन चीजन जनरल मैसेज दी तो आवाम कि करो दमागी सेहत थो पे बरकरार।
मोहम्मद रफीक साहब वारिया असल सवाल वनु तो ही तो वनु कि कामयाबी तो नाकामी से जिंदगी हुंद अख हिस्से तो यो जन ये वनकन दौर छ जन ये वनकन जिंदगी हुंद मसल छ यात मसलस मन छ ऐसे महरन हंस डॉक्टर साहब हंस राय जरूरत बकर गुजारिश डॉक्टर मोहम्मद मकबूल साहब जनाब अ सिलसिले में बिनत सनिस عوام से क्या छ तो ये सवाल ये जन मोहम्मद रफीक साहब सवाल देखो जो बेसिकली उनमें फयाज साहब इसो नो इमो यहुंद वन कि उनके बेसिकली कंपटीशन तो मैं फिक्र तो यहुंद क्वेश्चन कंपटीशन दौर छ वारिया बाकी चीज से मोबाइल से इंटरनेट से उतान तक कर इंटरनेट पे कत कि इंटरनेट एडिक्शन गो बाकी चीज गई ठीक है तीन चीज से अवॉइड कर या वो मैं बाकी एक्सरसाइज वक्सरसाइज बे वन में एक सवाल सवाल में जवाब में जरूरी स्पिरिचुअलिटी पे रिलीजियोसिटी पे छु वारिया ध्यान दिन अस क्या जूत है स्पिरिचुअलिटी नि दूर गसो बेसिकली छु मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ अगर स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक आसी हमारे हमारा मेंटल हेल्थ ठीक स्पिरिचुअल हेल्थ पे चन ज्यादा कथ यवान कथ चन ज्यादा गसा के स्पिरिचुअल हेल्थ छु मतलब स्पिरिचुअलिटी में नियुते क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज छ आसा या क्या मेडिटेशन छ आसा मेडिटेशन में क्या छु गसा बेसिकली ब्रेनस में जो छ आसा ऑक्सीजन फ्लो सो छ मेडिटेशन दरमियान वारे इंक्रीज गसा बाकी चीज ब्लड फ्लो बाकी चीज गसा इंक्रीज ठीक छ गसा मेंटल सुकून छ आ मेडिटेशन से मिला को अगर इस मेडिटेशन करो या बाकी आम अगर आम नफर हेकन मेडिटेशन करित नमाज पांच टाइम छ बाकी चीज छ बे इस वके छ गुम सिर्फ देखा देखी है बिल्कुल एक मैं फया साहब को देखता हूं इसके पास बड़ी गाड़ी है मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए वो चीजें अवॉइड करनी है मटेरियलिस्टिक जितना हम जाएंगे उतनी नफ्सियाती मैं आपको मिसाल दूंगा कि यूरोप की यूरोप में नफ्सियाती ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा है वो क्यों है क्योंकि वो ज्यादा डेवलप हुआ है जितना बंदा ज्यादा डेवलप हो जाएगा उतना वो अपने आप से दूर हो जा रहा है सही बात तो उसमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ रही है तो हमें कंटेंटेड रहना है जितने हम खुदा ने दिया है उस पर कंटेंटेड रहना है ज्यादा दौड़ दुख इसी के पीछे दौड़ दुख तो जरूरी है जिंदगी में उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं तो लेकिन जितना हम कंटेंटेड रहेंगे इसमें मैं एक एक बात स्पिरिचुअल की बात चल रही है तो अब मैं ये बताऊंगा कि जैसे आपको मुझे ज्यादा पता है नफ्स हमारा है लवामा है मुतमैना बिल्कुल फिर मुतमैना के अलग स्टेजेस है हाईएस्ट लेवल जो है उसको नफ्सी कामला बोलते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है बिल्कुल तो हम क्या चाहते हैं हमारे पर गालिब हुआ है नफ्स हमारा बिल्कुल सर तो हम इसी के पीछे जाते हैं अगर हम मुतमैना की तरफ जाएंगे मुतमैना पर जब बंदा पहुंचता है तो इसमें अगर उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है उसमें ज्यादा पूरा ध्यान नहीं मैं यह गुलाम मुस्तफा युद्ध युद्ध मोहम्मद रफीक साहब सवाल उस की कामयाबी तो नाकामी यानी दशमी सूत्र में यह फैसल स्पिरिचुअलिटी में कर स्पिरिचुअलिटी अच्छा मुकाम तथा मुकाम रजा मुकाम रजा से नफ्स मुतमैना पेश नफ्सस गो यह खाल हासिल नफ्स मुतमैना गए आम नफर बिल्कुल बिल्कुल बदल पिसाल नफ्स मुतमैना हासिल क्या नफ्स मुतमैना ये हासिल गमस मुकाम रजा गासिल मुकाम रजा गो कि सू अल्लाह ताला पे सोरी त्रा पा बिल्कुल चाहे उतार आव चढ़ाव आव ये अल्लाह की तरफ से है तो फिर वो उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दे दिया आपने गुलाम मुस्तफा साहब से बटकदल श्रीनगर पे सीतन का असलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गुलाम मुस्तफा साहब क्या छु यहां जानून करू डॉक्टर साहब सत कत जनाब अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम जनाब डॉक्टर साहब मैं गई लगभग जो त्रे वरी बस ये एंजाइटी तो जो त्रे वरी डॉक्टर साहबन तुम गमाम तौर अ डॉक्टर साहब दिवान सनसोवास या नॉट ट्रिप 25 या सनसोवास तो मगर ये एंजाइटी मैं चलान कहीं मतलब बह तेईस कम फिक्र बुस पान कोशिश डाइवर्ट करा माइंड या गार्डनिंग मज या बा मगर मे चलान ये कहें दवा तुस बहुत कंटिन्यू कंटिन्यू खा मगर यपर मे साइटोपीनिया तम हिसाब से बहुत दवा खा कम तो मगर मे बे कत एंजाइटी ये बस बुस दरवाज थाना बंद पे मे पे याद मे थो न बंद यह गने खुद दि त्रे लट ग मे कौर दरवाज बंद मे कह बद बंद मे कह मे दि लट अम खा डॉक्टर बूजू जवाब गुलाम मुस्तफा साहब डॉक्टर साहब क्या वन जना वो गुलाम मुस्तफा साहब जो सवाल कोर तो यो पोन अलामत क्या मे ग आज फयाज साहब वो तो गैड जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यह क्या क्लियर कट मे तो नाव हेत ओ सी डी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑब्सेशन गई तम ये ख्यालत मे कह हो कि कहें कंपल्शन गो पो सू चीज कर वो तो वो
مطلب یہ ونان بہت چٹکن مے دتا کن کہین بالکل یا امس آت گا ات پٹر مے بھی امس آس گا پیشنٹس گا مے ات پٹر پٹر مے رود بیم ناصاف گو ات ون او سی ڈی گو اس امس گائڈ کی امس او سی ڈی ات باضابطہ اس ون سینسوال ناؤ دوان اکس دون ہند تو میان حساب سے ڈرگ آف چوائس ات من کی ات من سے اخ گروپ آف ڈرگس بہ ون دوک ناؤ یت نس کی گروپ آف ڈرگس دس ایس آر آئی ایس ایس آر آئی ون ایس ایس آر آئی گروپ آف ڈرگس اس ڈرگ آف چوائس بیم علاوہ امس بہیویئر تھریپی کر بہیویئر تھریپی مطلب دان تس وا ایکسپوجر ریسپانس پروینشن تھریپی ایکسپوجر ریسپانس پروینشن تھریپی خطر پی امس ست کنٹیکٹ کر سائکیٹرسٹ ست یا سائیکالوجسٹ سر کنٹیکٹ کر تو ویٹ پوچھ پہ ون بہت یت ایکسپوجر ریسپانس پروینشن کیا گئی کہ اگر امس باس چٹکن مے باسان کہ مے رود شک امس اکہ لٹہ گھن پہ امس اتس چٹکن یہ ٹاس دن ڈن یا کور مے بند ٹھیک پہ امس گھن بستر کت گیا پہ امس دوبارہ وقت امس گھر امس اینگزائٹی واقعہ امس گھر امس پلٹیشن باقی چیز گھن یہ امس تراؤن اتنس یہ امس تھوت امس وتن پہ دوبارہ چیز یہ کنٹنیو کنٹنیو پروسس تھائے تو ان شاء اللہ امس گھر پرابلم حل تو مگر ڈرگ ایکوریٹ مطلب اس ڈرگ آف چوائس سہ ڈرگ آف چوائس غلام محمد کمار صاحب لال بازر پہ کت یا کریں السلام علیکم ہاں غلام محمد صاحب تھی لائن پہ بوزان چھو سنی آواز واتان تہ تان حس کیا یسان زانن غلام محمد کمار صاحب جی ہاں لگتا ہے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھی سو ڈاکٹر صاحب کت کران زن نفسیتی تکلیفن ہن کت کرو تھی حس یا ٹائپس ورنو تھی تمہیں یا وجوہات ورنو تھی بیا سا مختصرا ورنو تھی تھوڑا سا ٹائپس تو وجوہات ات کرو تھی تھوڑا سا وضاحت حس وجو فیاض صاحب اگر وجوہات نیو وجوہات ڈفرنٹ جی آگ گئے مطلب یہ ونو بایولوجیکل کازز بیس گئے سائیکو سوشل کازز بایولوجیکل کازز گئی کہ مطلب کن سات یت جینٹکس ونو جینٹکس گو اگر مالس ماج من کی تکلیف چانسز ضروری کی مگر کی پرسنٹ چانسز کہ بچس ہکہ تکلیف یہ پریت کن ڈزیز من اگر کس بلڈ پریشر آس فادرس چانسز آسان بچے پہ بوڑھ گا تمس پہ بلڈ پریشر یہ فیملی من چلان اتھے کن کی سائکیٹرک پرابلم یم زن فیملی من چلان ہمیشہ ضروری کی مگر کن سات چلان گو اخ سو اتھے کن برینس من کی رس آسان تمہن سے ونان نیورو ٹرانسمیٹرس یم چھ اکس خاص بیلنس من آسان یمن چھ بیلنس گسان ڈسٹرب توے یم مالیکول اس ڈرگ سے دیوان یہ بیلنس انا واپس لہذا چھ امس یہ بیاکھ وجہ آسان یہ گو یہ بیس وچھا مطلب کی پیشنٹ وچھا تم کہ یم اس مطلب سائیکوٹک ڈپریشن نمو یا سکیزوفرینیا نمو یم برینس من کی جائے آسان یمن اس وینٹرکلز چھ ونان یمن چھ تم آسان انلارجمنٹ گو سٹرکچرل چینج چھ برینس من آسان گمچ گو یم چھ یم نمو بایولوجیکل پتہ گو سائیکو سوشل سائیکو سوشل تہ پانس تہ پتہ اتھ کن ونکس تہ اس ونان دوڑ دوب چھ چلان ان ایمپلائمنٹ چھ کووڈ چھ ونکس یا کنس گئی ڈیتھ کنس یا کنس گو ڈائیورس یا کنس گو ہش نش لڑائی بالکل چھنا عام گرن من ونکس ہش نش ستا نش ہش زیادہ پہن تمیک انٹرا فیملیئر کانفلکٹ چلان پان ون واریا تو ام سچ واریا ام سچ بڑ سائیکو افیکٹ یم چھ ام چھ یہ اتھ مے باسا امیک چھ تھوڑا سا زیادہ پہن بنسبت کی یوزن باقی چھ ہز کہ چونکہ تو چھ ماہر ہستا آسن ام قسمک پیشنٹس وغیرہ یوان ہز کوتا چھ ام قسم زن سوشلی اس مطلب یت کہ قصہ گسان چھ جیسے اپنے مطلب فیملیز کے حوالے سے اپ بابن تہ اگر اک ہیلدی پرسن تہ نمون اس اگر ام سوشل سائیکو سوشل سٹریس تراو اس تھن تہ ونان چھ یہ لڑائی گرس من جگڑ گرس من باقی چیز اک اک سن مانن باقی مطلب یورے ون میون بوزن ٹھیک سوری کی پن چین ون کی ون اور یور ٹھوسن سوری نسا بس ہوں سوری ٹھیک ام سی بڑھ ومس جینٹک ولنریبلٹی آلریڈی آس اس تھوڑا ات سٹرس ڈایتھسس ماڈل سٹرس ڈایتھسس ماڈل گو کہ اگر سسپٹبلٹی کن ڈس آڈر پہ اگر امس سٹرسر پے امس دستی گا بہ نسبت کہ تمس یم سو ات ولنریبلٹی آس کی مگر یہ اگر تھی عام طور وچو ونکس یہ لڑائی یہ گھر من عام طور چلان تو ام سی قدرتی ذہنی سے لال بازر پہ اخ کالر السلام علیکم ولی وچو کم کت یسان کرنے السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام پن ناؤ ونتو گڈ حض میرے ناؤ قمبر محمد قمبر صاحب کیا چھو یسان زانن تھی جناب بس یسان ڈاکٹر صاحب یہ ون کہ مے تھوڑا سا اینزائٹی باسان گھر اہن حظ یل بہ گھر نیبر چھس نیران بہ روزان ٹھیک اہن حظ
دپان حس گرنی گرسی مز مے باسان تھوڑا اینزائٹی گر نیبر نیر پتہ باسان ٹھیک وچھو بابن ات ہیکہ وجہ ست ات ہیکن واریاہ وجہ ست اخ وجہ ہیکہ ست کہ گرس مز کیت ماحول ماحول بالکل اگر نہ گرس مز ماحول اس ٹھیک چانسز امس ہیکہ اینزائٹی گرس مز زیادہ گست مطلب ڈپریسڈ میڈیکل ٹرم یوز کریں تو ڈپریشن اینزائٹی کیا بہرحال سہ پہ امس سائکیٹرسٹس ہاؤن کیا پرابلم گھان تو مگر یوتان تم ونان یا گرس مز پرابلم اگر سو کان پرابلم سو سالو کرنی تو بیس سائکیٹرسٹ کنسلٹ کر سو ون اکارڈنگلی اینزائٹی ڈپریشن سائکیٹرسٹ امس کیا پرابلم بالکل امس باقی چیز تر مطلب آؤٹنگ کریں باقی چیز گھن مطلب وی لاک ڈاؤن تیوت تیزہ کی بالکل کیا وہ گرسی مز گئی ساری وی بند گئی وہ ہن صرف سائکیٹرک پرابلم بڑھن صرف دہس اگر تھی وچو اچھے ڈیوکام سر چلان یا اٹل ڈلو صبح تمو سی نمبر ونکس میڈیا مز تہ نش نمبر دہس کال سائکیٹرک اہس ذہنی تکلیف تو یہ کووڈ سی گئی ویم زیادہ گو نا اکسی جائے گئی بند خلق لہٰذا اگر تھوڑا آؤٹنگ واؤٹنگ باقی چیز ات پہ کرہ تھوڑا سا کت گڈ وچھو یہ کالر غلام گل محمد صاحب ہارون پہ کت یھا کر السلام علیکم السلام علیکم فیاض صاحب وعلیکم السلام محترم ٹھیک چھو کیا چھو یھا زان شکر شکر ڈاکٹر صاحب سوال کرن ون تو جناب مے گو بار کال بچس یل شنگان چھس پت وچھان بہ کھا پتس نی یوان تھکاوٹ یمو سی پل گو ڈاکٹر مشتاق صاحب تم تھو مے پروفٹی 75 اچھا پتہ تھو مے سو واریا کالس مے کھا بہ سو چھا مگر سو تھکاوٹ اس نی یوان کی چھ ون کینس کیا چھ باسن تائی ونس ون کینس سلسلہ چالو پتہ گو اور بالکل تم بڑھا وی تم پلس پنچ ایم جی بیس کھیو تھی بوزو ڈاکٹر صاحب ونان تو جواب ات کیا کرن یو زن تھی ونان چھو پرابلم بوزو بوزو گل محمد صاحب جواب ڈاکٹر صاحب دن جواب فیض صاحب بہ ون بیسکلی یہ سلیپ ڈس آڈر اخ اگر یہ باقی سمٹمز کی اگر یہ ڈپریشن باقی چیز بے دلی باقی چیز تیل سلیپ ڈس آڈر سلیپس مجھ زی چیز آکس ونان ریم سلیپ بیس ونان نان ریم سلیپ نان ریم سلیپس مجھ خواب کی ریم سلیپس مجھ خواب تو ام سات امس ڈرونے خواب امس ریم سلیپس مز امس نندر ہن یوتاہ ضرورت تیوت کر زیادہ پہ صبح لٹ زیادہ شنگت روزن کی نمبر اخ کیا یوتا پہ زیادہ شنگان انسان صبح لٹ پہ ریم پیریڈس گا انکریز ات مجھ خواب زیادہ زیادہ ڈرونے خواب تو وہ ات سلیپ ڈس آڈر خطر کی ادویات کی زن یہ سپرس کران ڈریم ڈرونے خواب تو مے باسان امس پہ کنسلٹ کرن بی ڈاکٹر صاحب تو ٹرائی اکارڈنگلی بالکل ناظرین پروگرام جاری ہے بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں بڑھتے کووڈ کیسز کے دوران عام بیماریوں کے لیے اسپتالوں میں علاج کرانا اور ڈاکٹروں کے ساتھ آمنے سامنے صلاح و مشورہ لینا مشکل ہو گیا جب مریض ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے لیے کووڈ کا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار نہیں دکھائی دے رہے تو سرکار نے ٹیلی کنسلٹیشن کے ذریعے آن لائن او پی جی ای سنجیونی خدمات پیش کی اب مریض کسی بھی دور دراز علاقے میں اپنے گھروں سے ہی ویڈیو کال کے ذریعے ڈاکٹروں سے طبی مشورہ فیس ٹو فیس حاصل کر سکتے ہیں پلیسنٹا کا کیا لکھا سب سے پہلے ای سنجیونی او پی جی ڈاٹ آئی این پر رجسٹریشن کر کے ٹوکن حاصل کر لیجئے پرانے نسخے اور ہیلتھ ریکارڈز اپلوڈ کیجئے کلینک میں اپنی باری ملتے ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے بات کریں ہزاروں بیمار آن لائن مفت ڈاکٹری صلاح حاصل کر چکے ہیں آپ بھی ای سنجیونی ڈاٹ آئی این پر جا کر یہ فائدہ حاصل کیجئے
नाज़रीन दोबारा आपका इस्तकबाल है दूरदर्शन की खसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड 19 में। हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त कॉलर मौजूद हैं जो करनगर से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप। टीवी का वॉल्यूम बंद करें जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ नईम साहब बात कर रहे हैं। नईम साहब करनगर से। वन तब जनाब क्या छू असान जानो नईम साहब। बहुत डॉक्टर साहब सतान जान कि बहुत काम कर मगर अथ दौरान मे ग यु मूड खराब बहुत दपा बह त्रा यह सो मे ग दिल ये तंग हूँ बेस बह अ रात शोंगान मे रात कुछ गाँव बहुत पान रात कुछ गा थोद वे ग घबराहट हिश बहुत और योर पत् करस कल तमें पत् मे ग फर्क तो पत्स बह शि नईम साहब डॉक्टर तुम मूड रोजान ठीक कि तुम मूड गमगी मूड मे रोजान बराबर खराब सख खराब रोजान तो बेदिल हिश रोजान जी कूद टाइम गो फैसब यो वो सवाल कि मतलब मूड खराब रोजान बाकी नंद्र हज प्रॉब्लम से गान तो यह क्लियर कट केस आफ डिप्रेशन अमन से सो पूर डिप्रेशन ये मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर या डिप्रेशन वन सटिस मं तो इन सूच डिसऑर्डर तो अमन ज ट्रीटमेंट अत अख करो फार्मेकोथेरेपी बे करो पे साइकोथेरेपी अम सर पे इन साइकेट्रिस्ट कम साइकोलॉजिस्ट वह पे साइकेट्रिस्ट इन साइकोलॉजिस्ट कंसल्ट कर कहीन अमस पे मेडिकेशन नीन अम खर। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे इस वक्त रहनेवारी से कुछ कॉलर हैं। तस्लीमा जी बात करना चाहती है। तस्लीमा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब मुझे मेरा ये सवाल है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है क्या इसको स्टोमक से कोई रिलेशन है, क्योंकि मुझे लगभग 15-16 ईयर से थोड़ा बहुत मेंटल डिप्रेशन है। मैंने बहुत कुछ सहा है कि जिसकी वजह से मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है और बीच बीच में मुझे डिप्रेशन भी रहता है और स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर मुझे कई महीनों से लगभग 6-7 महीनों से मेरे स्टमक में प्रॉब्लम रही और मुझे रिफ्लेक्स ये जो एसिडिटी है वो जमा हो जाती है, फिर मुझे गले से स्टमक तक पेन रहती है। मैंने दवाई भी ली, दवाई ने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ और परेशानी की वजह से मैं बहुत एंग्जाइटी में रहती हूँ कि मैं क्या करूँ। ये कोई तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैंने परसों टेस्ट भी किया है वो ठीक निकला है, मगर दवाई ने कोई काम नहीं किया है। अब मैं ये सोचती हूँ शायद ये मेंटल डिसऑर्डर ही है जिसकी वजह से मेरा स्टोमक अपसेट रहता है और ये जो मेरा ये एसिडिटी रिफ्लेक्स एसिडिटी रहती है जिसकी वजह से मेरे गले में और स्टोमक में पेन रहती। इस वक्त भी मेरे स्टोमक और स्टोमक में और गले में बहुत ज्यादा पेन है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे गले और स्टोमक में पानी जमा हो जाता है, ये तेजाब जैसा पानी है ये, जिसकी वजह से मेरे गले और स्टोमक में ये दर्द रहता है। क्या इसमें कोई रिलेशन है डिप्रेशन और स्टोमक रिलेटेड, इसमें कोई रिलेशन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जवाब सुनिए तस्लीमा जी, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। साहब तस्लीमा जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि स्टोमक में प्रॉब्लम है, फर्क नहीं हो रहा है दवाइयों से। मैं आपको बताऊंगा चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे स्टोमक की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कोई लंग्स की प्रॉब्लम है या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, इसमें साइकेट्री हर एक डिसऑर्डर में साइकेट्री का रोल है। चाहे वो कोई भी मतलब जो स्टोमक का है, जो भी जिस्मानी तकलीफ हो, इनका सवाल है स्टोमक से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि इनको स्ट्रेस है, वो किस किस का स्ट्रेस होगा इनको पता होगा, या इनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन है वो इनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली इनको कुछ साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन रखनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। इनको इनको मतलब साइकेट्रिक से वो जो स्टोमक बोल रहे हैं, एक डिसऑर्डर को हम बोलते हैं सिट्रस अल्सर्स, जब सिट्रस लेवल ज्यादा होती है तो स्टोमक में अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो इन मैनेज जैसा इन्होंने रिफ्लक्स के हवाले से रिफ्लक्स के हवाले से भी जो ये दवाइयाँ खाती हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की दवाइयाँ खाती होंगी,
तो वो खानी है, लेकिन साइकेट्रिक कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी उनको। चलिए हम उम्मीद करेंगे तस्लीमा जी आप कंसल्ट करेंगे किसी साइकेट्रिस्ट को और वहां से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम जो है आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जन्नत सोपोर से बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताइए। वालेकुम सलाम। जन्नत जी पहले आप परसों भी आपने कॉल किया था, आप मुझे बताइए आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? जी सेवेंथ में। कल भी परसों भी आपने एक सवाल किया था, उस वक्त हमने आपसे बात नहीं की थी, नहीं पूछा था आपके बारे में। आप मुझे बताइए आप सेवेंथ में पढ़ते हैं? जी। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? साइंस। साइंस आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। जन्नत जी आप बताइए आज डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे? जो साइकेट्रिक मेडिसिन खाता है क्या वो कोविड वैक्सीन करा सकता है, और अगर उसको कोविड होगा उसको क्या प्रिकॉशंस लेना है और उस पे क्या इफेक्ट होगा? सुनिए जवाब बता देंगे आपको। ये बेसिकली सेवेंथ में एक बच्चा है, परसों इसने कॉल किया। जन्नत नाम है इनका शायद, जन्नत जी सेवेंथ की बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो ये पूछना चाहते हैं कि जो साइकेट्रिक मेडिकेशन पर है वो कोविड वैक्सीन कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एहतियात वगैरह क्या बरतने हैं, जो ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं? तो मैं ये बताऊंगा कि जब भी किसी भी डॉक्टर साहब के पास कोई भी सर्जरी का पेशेंट होता है कुछ होता है, वो फिर साइकेट्रिक, अगर उसको साइकेट्रिक दवाई चल रही होती है फिर वो साइकेट्रिक से ओपिनियन लेता है कि ये सर्जरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसी तरह जन्नत का सवाल है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट घर में नहीं रह सकता है, वो बाहर ज्यादा घूमता है, वो घर में नहीं, उसको बेचैनी होती है या और कुछ होता है, वो घर में नहीं रह सकता है, तो उसका सोशल कॉन्टैक्ट, आपस में कॉन्टैक्ट कनेक्टिविटी जो लोगों के साथ, वो ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से उनको वैक्सीनेशन की ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है हम लोगों से। हाँ जन्नत जी, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि अगर कोई पेशेंट होगा, कोई बीमार होगा जो साइकेट्रिक ड्रग्स ले रहा होगा, उन्हें वैक्सीन लेने में कोई कबाहत नहीं है, कोई किसी भी सूरत में वो हर तरह से हर सूरत में वो वैक्सीन ले सकते हैं। नादिया जी त्राल से बात करना चाहती हैं। नादिया जी अस्सलाम वालेकुम, क्या जानना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नादिया जी। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी जो है, जी जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो साइकेट्रिक मेडिसिन खाती होगी जी, तो उसका जो बुरा असर है वो उसके फीटस पे तो नहीं पड़ेगा? जैसे मेडिसिन का नाम भी मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे सेट्रलीन है जी जी, डैक्सिड 50 एमजी, डैक्सिड 100 एमजी जी जी, या जैसे डेप्लेट है, डेप्लेट ए 50 mg, तो इन दवाइयों का असर फीटस पे तो नहीं पड़ेगा? जी जी, जवाब सुनिए राजा जी, डॉक्टर साहब बता देंगे। बेसिकली फैसला मैं बताऊंगा, जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, मतलब जो ऑर्गन्स बनते हैं बच्चे के, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनते हैं, पहले 3 महीनों में बनते हैं ऑर्गन्स, तो उनमें थोड़ा कॉशियस रहना है। कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन हैं जिनमें टेराटोजेनिसिटी है, टेराटोजेनिसिटी ये होता है कि बच्चे पर असर पड़ सकता है, कुछ बिल्कुल उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो अवॉइड करनी है। अब साइकेट्रिस्ट देखेगा कि डिसऑर्डर कितना है, अगर डिसऑर्डर ज्यादा होगा तो बच्चों को खतरा है, साइकेट्रिक दवाई जरूरी लेनी है कि नहीं जरूरी लेनी है। लेकिन इनने एक दवाई का नाम लिया, तो इसमें मैं दो चीजें बताऊंगा। एक है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट जिनको हम बोलते हैं, तो वो सेफ है प्रेगनेंसी में कुछ हद तक, और SSRI जो ये दवाई खा रही है, डेक्सिट का नाम इसने लिया, ये SSRI सेटलिन ड्रग इसने बोला, तो इसमें ज्यादा मुझे लगता है उतना हर्ज नहीं है कोई खाने में, इसमें शी शुड कंटिन्यू अगर इनको डिप्रेशन नहीं है। कुछ और कॉलर से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक बार फिर आपका खैर मकदम है, हमारी खसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 में। खालिद मोहम्मद साहब करनगर से बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद साहब ये अपने टीवी का वॉल्यूम जरा बंद करें और सवाल पूछे अपना हमारे डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहेंगे आप जी बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। دوہک ناو ؤنو نا بی اک پھر ایسٹلوپرام ڈپرانیک اہن حظ ڈپرانیک ایسٹلوپرام بالکل بالکل بالکل
अगर डायग्नोसिस डिप्रेशन डिप्रेशन रूल कि डिप्रेशन दवा से ठीक गए दवा ना वो एस्टलोप्राम एस्टलोप्राम अगर दवा खा अगर तुम डिप्रेशन डायग्नोस कोरमुत डॉक्टर तुम सा ठीक गो डिप्रेशन तमें पे शन रेतन कंटिन्यू दवा थोन शे रेत बराबर ये शे रेत गमें पु वार ये मेडिकेशन काम कर सह डॉक्टर काम अचानक दवा बंद कर। डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉलर इस वक्त वो लास्ट कॉलर हैं मोहम्मद अकबर साहब सोनावारी से बात करना चाहते हैं। मोहम्मद अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब पहचानचा सैन आवाज वाता मोहम्मद अकबर साहब हाँ जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद अकबर साहब वनी वज जनाब हाँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर डॉक्टर स्पीक लाइव प्रोग्राम शुक्रिया शुक्रिया। हाँ डॉक्टर साहब से मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है जी भवन कशिर पर जनाब डॉक्टर साहब के मकबूल सब असमान बजे के बुझ अचानक कुन सात गसान यो अपसेट हो गोया अगर गगरा रही गए वजमल गए बिजनल गए तो मे हार्ट चलान तमें सत या जदर लड़ाई करान या फायर कुन जाए गए तो मे तमें सात हार्ट चलान तो बेचम बेख रिक्वेस्ट बे अक्सर बेशतर रोज रोजान नस्तुन फोहर सुरा अक्सर बंद रोजान तो इन चीज जब परेशान चुस गसान बुचुस पत्त दर दर देवान दर दर देवान तम से ओस से फाशे गसान तो हो के खाशे गसान ये चम रिक्वेस्ट डॉक्टर मकबूल साहब से के ये वनियत चक इलाज बुझतो क्या वानन डॉक्टर मोहम्मद मकबूल साहब जनाब मोहम्मद अकबर साहब जी गोडनिक सवाल वो कि क्या वजमल गए गगराए गए या क्या गई खोचान वो गोडनिक सवाल बिल्कुल जनाब तो मे बसान यह नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन अगर मैं ज्यादा तूत खोच कि अंधे खोच नबरी नेर ने फोबिया मगर योतन तम मे युद्ध बूज तो मे बसान यह साइकेट्रिक प्रॉब्लम यह नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन अत वो डिसऑर्डर क्या अनलेस कि अगर पंद्रे रोजन कुटसी मज रोजन बिल्कुल रोजन कुटसी मज अगर कुटसी मज रूद ना वजमल से ज्यादा खोचान पबर कुन हेकान नीरत या बावस या कुछ गगराई से ज्यादा तूत खोचान कबर कुन हेकान नीरत बिल्कुल अंदर रोजान बंद रोजान तथ हेको डिसऑर्डर वन हेको तथा फोबिया वन तथ फार्मेकोथेरेपी ड्रग्स ते तो बे एक्सपोजर थेरेपी तो बिहेवियर थेरेपी तो तथा पे दोनवे चीज कर अगर सू मगर योतन तक यमो वो मे बसान इन वन मन मंस खोचान तमें हिसाब से मे बसान इन फोबिया क्या इन सिमटम्स हूँ थोड़ा ये तो दोम क्वेश्चन वो यमो मे नष्ट क्या अक साइड रोजान बंद अक साइड अगर तुम आम करो कुन सा चक अक साइड आम तौर बंद अक साइड यल यह नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल चीज वो गो बेहतरीन चीज कि एंटी कर कंसल्ट एंटी डॉक्टर गुजारिश डॉक्टर तुम्हें खदमत में इतने कि आम ये वे कि बमार क्या कह लु तिथ अगर तुम शंगित आमूली दमो तुम जीर हुशार करो क्या करो तुम क्रेक दिवान मतलब तुम अचानक यह गान मतलब यह खबर छा क्या क्या दिल गई कुस आव कम दीर कम कुर पे तुम हुशार गान पत् कहीं पे नॉर्मल गा अत क्या वजूहत हेकन वो बेसिकली पर्सनैलिटी से डिफरेंट टाइप्स वो कर तूत डिस्कस कह टाइम तूत क्या पर्सनैलिटी टाइप्स बिल्कुल यह पर्सनैलिटी पे वो शॉर्टस मत मतलब इन सिंपल लैंग्वेज वो क्या सेंसिटिव या कहते लाइट स्लीप लुत नंदर आहन तमस अगर जीर दमो तुम गति गुशार ना कमर मे अगर कह आ ब्या नफर तम बस दी क्रेख कमर मे मतलब अच्छा नफसियात सट यह हे नॉर्मल तथित अगर इस कंटिन्यू गफसियात प्रॉब्लम ट्रीटमेंट कर ट्रीटमेंट कर बिल्कुल। डॉक्टर साहब चूंकि बहुत सारे हमारे पास वक्त अब कम है लास्ट के कुछ चार पांच मिनट है लेकिन हम चाहेंगे कि शॉर्ट शॉर्ट जवाब कुछ पॉइंट्स जो है कुछ क्वेरीज जो है जो कोविड 19 जो है जन तदबीर मुतलिक करो तुम कत जन ये नफसियती बमार वस क्या पे अस कर थोड़ा सा यमो नफसियती बमारियों नश दूर रोजान मतलब एक्सरसाइज बाकी चीज डाइट हैबिट्स ठीक थी स्लीप एडुकेट नीन ठीक है अगर जरूरत बस हेल्प सू हेल्प नीन अगर नहीं कहें हेल्प अस कॉल कर डॉक्टर सोन नंबर अगर तुम ये बहु तुम नंबर क्या तुम तम अस नश तम हेकन अस सकन रबत कर
باقی چیز ہیکن تم کر پان و کنیکٹڈ روزان پان و اتان دون بیان ون تو سپرچویلٹی باقی چیز یا مطلب قرآن شریف پڑھو نماز سپرچویلٹی پہ ڈاکٹر صاحب کت کرو چونکہ تھی ویو اصل کت ویو تہ کہ تہ ونو کہ زن نفسیتی بیمار یمو نش روز انسان دور نٹ شالس مز دیتو تہ اک جواب تہ ونو اکس انسانس کوشش کریں نفس مطمئنہ کن گھنچ یل زن کہ انسان توتن ہیکن واتت مطلب یہ زن تقدم مگر کم کھت کم اگر انسان تت کوشش مز وز توتن وات تمس پہ نسا ہیکن یہ زیادہ اثر گھت کم زن وہ تہ چونکہ ماشاء اللہ تہ ڈپارٹمنٹ ون تو یعنی پہ زن تہ یہ پن ڈپارٹمنٹ ات کرو چیئر یہ سمجھو تہ ون تو ات ہسپتالس مز کیا نیر ونکینس کم فیسلٹی آن لائن خدمت کم تو کت کن ہیکن ونکینس پیشنٹ تہ ست رابطہ کر اگر فون نمبر تھی تک مجھے یو ون تم تنو وچو فیاض صاحب بہ ون ات کن کہ یم سات چارج سمبول تم بروہی اس اخ میٹنگ اخ گمت تک مز سینٹرس مز گئی مطلب سن ڈاکٹر صاحب گوس بت گوس تک مز مے پیو جے پور گوس اخ مز اخ پریزنٹیشن اخ کرنی تو یت مز اس پت سینٹر اف ایکسلنس دتو تو پونسو آو اس پت سینٹرل گورنمنٹ پر اس بنو اگر تو بروہ اسو آمد بادام واری تو اس اس سائیکیٹری ہاسپٹل کیا اس بٹن سیملزن مز اگر تو ونکس وچو تو باس ہاسپٹل واریا مطلب اس کتن فارن ہسپتال مز اتا مطلب یہ چینج آئی ضروری مطلب اگر ڈپریشن پیشنٹ کھانا تک مجھے باسان فرق بس کتھ نئی ہسپتال گو یہ چینج کر مطلب بیس تھی اس باقی فیسلٹیز تھی تھی اس مطلب بہ ون تنکس ایم آر آئی کور اس ریسنٹلی سٹارٹ تک دس اسٹیٹ گورنمنٹ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ڈاکٹر جناب اٹل ڈلو صاحب انہوں نے بھی ہمیں اس کے لیے کچھ پیسہ دیا اور سینٹرل کا ہمارے پاس پیسہ تھا پتہ اس سے تھوڑا پار تک پہ پتہ اس انت سہ کور اس سٹارٹ تو ایم آر آئی وی آر ڈوئنگ دیئر تو ونکس سائیکیٹری مز ون آف دا بیسٹ ایم آر آئیز گو ایم آر آئی تھی ونکس فیسلٹی چلان باقی لیب فیسلٹیز تم چلان بیس ڈی ایڈکشن فیسلٹی اس نش ونکس چلان تم آس ایس ایم ایچ ایس چلان ٹیمپرلی پے اس تم بند کرنے کووڈ موجود کہ اس ڈی ایڈکشن سینٹر اس دون جائن ہسپتال چلان اخ چلان کاٹھی دروازہ بیس چلان ایس ایم ایچ ایس میڈیکل کالجس مز میڈیکل کالج ہاسپٹل پیو اس ٹیمپرلی بند کرن پیو اس کووڈ خاطر دین تو پتہ اس ڈی ایڈکشن سینٹر اس پیو اس جناب کرن یور شفٹ سائیکیٹری ہاسپٹل تب بنو اس فی الحال ڈی ایڈکشن وارڈ الگ تو یہ فیسلٹی سے دان بیس آن لائن کنسلٹیشن ونکس دان زن پرنسپل میڈیکل کالج پروفیسر سامیا جی یا اٹل دلو صاحب اس فائنانشل کمشنر یا اتھے کن ڈیو کام تمن ست لیزان تمو ٹیم بنائے سائیکیٹرسٹ ٹیم سے تین نمبر اگر تھی کیا نمبر بالکل بالکل تھی فرمائیو تھی ونیو کیا نمبر 7 8 9 8 1 8 1 8 1 9 6 1 9 6 بیس 7 0 0 7 0 0 6 6 6 6 9 0 9 0 5 4 8 5 4 8 بیاکھ 6 0 0 6 0 0 5 0 2 7 2 7 3 7 7 3 7 7 3 7 7 بیتی ونو باقی بالکل ونیو ونیو 9 7 9 7 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 ڈاکٹر صاحب یہ ویو تھی کی نمبرات زن مطلب پہ رابطہ ہیکن کر چونکہ اس کرو ون بیس ٹھرس پہ ون تو اس دی تو پن میسج بیان تو زن تہند ڈپارٹمنٹ ونکینس ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب اٹل ڈلو صاحب چونکہ یہ ووت کہ یت پہ کرو تھی کت زن یہ ونکین اشو تو کت کن ہیکو اس پن پان یت کووڈس مز تس مطلب یمو چیزوں نش دور تھت بیم آئے کھانا کووڈ تو یت نفسیتی بیمار متعلق کھانا تم کن قسم کھانا سٹڈی مختصر میسج لاسٹس پہ آ بہ ون اوتان تہ ون وہ کور اس مے باسان دو ترے لٹ رپیٹ یہ کوشچن اس کیا تدابیر کرو مے باسان تدابیر ون اس بالکل سٹڈی گئی کی کووڈس متعلق تو اخ سٹڈی مے برونہ کنی ونکینس اس چیسٹ میڈسن ست کرم تو یت مز ڈاکٹر شبیر سے ڈاکٹر صاحب اخ تم کنسلٹنٹ ونکس یم زن فسٹ آتھر تر مجھ پبلش گمت پپنٹ جرنلس مز تو ات مز وچ تر ڈس آرڈر کر سٹڈی اک ہت تو کنوہ پیشنٹ نی اس ڈاکٹر نوید صاحب ست کور اس سٹڈی تو ات مز وچ اس اخ اینگزائٹی ڈپریشن پی ٹی ایس ڈی اس پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ون تو بی وچ اس اوبسسو کمپلسو سمٹمز اینگزائٹی آو اس 53% پیشنٹن مز ڈپریشن آو 73% پیشنٹن مز پی ٹی ایس ڈی آو 30% پیشنٹ مز اوبسسو کمپلٹی سمٹمز ڈس آرڈر نہیں کی سمٹمز آئے اس 82% پیشنٹ مختصرا لاسٹ پہ ایک لائن میں آپ کا میسج ایسے بیماروں کے لیے
मैं लास्ट मैसेज यही कहूंगा कि कनेक्टेड जो हम डिस्टेंस बोलते हैं वो डिस्टेंस हार्टों की नहीं रखनी है, दिलों की नहीं रखनी है, फिजिकल डिस्टेंस रखनी है वो डिस्टेंस नहीं रखनी है, कनेक्टेड रहना है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने चलते चलते कही डॉक्टर मोहम्मद मकबूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना वक्त देने के लिए और कंसल्टेशन फराहम करने के लिए हमारे जो यहाँ पे नाज़रीन हैं उनको। नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि जो नंबरात डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बता दिए, हम कल परसों भी उन नंबरात को यहाँ पे रिपीट करेंगे, आपको फिर उस वक्त लिखवाएंगे, इस वक्त वक्त की कमी है, लेकिन कहना चाहेंगे कि जो कल जिस जो यहाँ पे नामवर माहिर और डॉक्टर यहाँ पे मौजूद रहेंगे जिनसे आप कल कंसल्टेशन हासिल करेंगे वो है डॉक्टर सैयद सजाद नज़ीर साहब, जो इस वक्त रेनाउंड यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरो ऑनकोलॉजिस्ट हैं, एंडो यूरोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जेएमसी श्रीनगर। कल इसी वक्त फिर हाजिर खिदमत होते हैं प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड 19 लेकर। आज अल्लाह हाफिज नासिर।